हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिकल साइंस। तो ये वीडियो काफ़ी दिन बाद बन रही है, तो बीच में कुछ गैप हो गया था किसी कारणवश। तो अब शुरू करते हैं हम फिर से अपनी जो हम जहां पर हम छोड़कर गए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म। फिर आइसोमेरिज्म का हमने टाइप पढ़ा था, स्ट्रक्चरल स्टीरियो, स्ट्रक्चरल हमने पढ़ लिया, स्टीरियो भी पढ़ लिया। फिर स्टीरियो में भी कुछ टाइप थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल हम तक पढ़ चुके हैं। तो पिछले चार पार्ट बन चुके हैं, अब ये पार्ट फाइव होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर एंड मेसो कंपाउंड एंड रेसमिक मिक्सचर। तो इन टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर क्या होता है? एनेंशियोमर में सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। और दूसरा क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज हम करके लिख रहे हैं, इसकी डिफिनेशन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा हमारा, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। हमारा मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे के। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, फिलहाल हम देखते हैं अभी। हाँ, ये यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया, यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो पहले हम इसको समझ लेंगे, फिर हमारा एनेंशियोमर क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे सुपर इम्पोसिबल क्या होता है। सुपर इम्पोसिबल, इधर ना इधर मैं लिखता हूँ सुपर तो ये क्या होता है? सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल दे, एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे CH3 लगाते हैं, यहाँ Cl ले लेते हैं, यहाँ पे Cl और यहाँ पे कुछ अलग CH2OH ले लें। तो हमारे पास अगर ये कोई एक मॉलिक्यूल दिया है, तो अब हमें देखना है कि ये सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं मिरर इमेज। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे मिरर इमेज वाला, इधर हम लगाते हैं एक मिरर, फिर इसके बाद बनाएंगे हम इसका मिरर इमेज। तो यहाँ पर C है, तो यहाँ पर C, इससे लगा हुआ ये चार बॉन्ड, फिर इधर Cl है, ये Cl इधर, और ये वाला Cl पीछे की साइड रिफ्लेक्ट करेगा, ये इस साइड आएगा, ये ऊपर की साइड CH3 हमारा ये यहाँ पर, और ये CH2OH यहाँ पर CH2OH। अब ये दोनों आपस में मिरर इमेज तो हो गए, अब ये क्या आपस में मिरर इमेज हो गए? अब देखना है कि ये सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज का क्या मतलब है कि हम इस मॉलिक्यूल को, इस पूरे मॉलिक्यूल को उठाकर इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रखें। अब इसको तो उठाकर रख नहीं सकते, बस हमें इमेजिन करना होगा। इसको हम इस तरह से उठाकर जब इसके ऊपर रखेंगे, तो ये कार्बन कार्बन की जगह पर आएगा, ये Cl, ये Cl, दोनों Cl Cl की जगह पर, ये वाला Cl यहाँ पर और ये वाला Cl यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक तो सेम आएगा, और ऊपर की साइड CH3 और नीचे की साइड CH2OH, यानी कि ये जब इसको उठाकर ऊपर से आप रखेंगे, तो सब मॉलिक्यूल जो है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये जो हमारा ये सब एटम है,
वो सब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रहा है। जैसे कि ये कार्बन के ऊपर कार्बन आएगा, Cl के ऊपर Cl, और ये इस Cl के ऊपर Cl, और इस CH3 के ऊपर CH3, और इस CH2OH के ऊपर CH2OH, इसको उठाकर ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल में क्या होगा, अब हम इसको उठाकर इस तरह से ऊपर रखेंगे तो हर ये जो एटम कहें या फिर मॉलिक्यूल जो कहें हम इसे, तो ये इसके ऊपर नहीं सुपर इम्पोज होना चाहिए, इसके ऊपर जाकर बैठना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल का। तो इसमें आपने क्या देखा, जब सुपर इम्पोज हो रहा है हमारा, तो इस कार्बन से लगा हुआ ये वाला ग्रुप और ये वाला, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन तीन तो डिफरेंट है लेकिन ये चौथा वाला जो है वो दोनों, ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं है, सुपर इम्पोजिबल में ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। यहाँ से हमें एक चीज़ दिखी, अगर कार्बन कायरल नहीं है तो ये आपस में सुपर इम्पोज हो गया। तो अगर हम नॉन सुपर इम्पोजिबल में इस कार्बन को हम कायरल लें, यानी कि इस Cl को हम किसी चीज़ से रिप्लेस करके तब लिखें, तब क्या होगा, यहाँ पर ये Cl Cl, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH2OH, और इस वाले Cl को हम किसी चीज़ कि कोई भी आइटम से रिप्लेस कर दें, हम यहाँ पर ब्रोमीन अगर लिख लें, अब इसका हम मिरर इमेज निकालें, अगर अब इसका मिरर इमेज जब हम बनाएंगे तो इधर आएगा इधर CH3, और इधर आएगा C, इधर आएगा Br, और इस साइड Cl, और इस साइड CH2OH। तो अब इसको उठाओ और इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराओ, तो इस C को जब उठाकर इस C के ऊपर इम्पोज कराओगे, सुपर इम्पोज कराओगे, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन पर इम्पोज होगा, सुपर इम्पोज होगा, और ये CH3 पर, और ये CH2 पर, लेकिन अब ये Cl राइट साइड में है और यहाँ पर राइट साइड में ब्रोमीन है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ब्रोमीन है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में Cl है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अब जब हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा उसमें कार्बन जो होगा वो कायरल होगा, यानी कि एनेंशियोमर में जो भी हमारा मालिक्यूल होगा, जो भी मालिक्यूल होगा और उसमें जो भी कार्बन होंगे वो कायरल कार्बन होगा, और मालिक्यूल जो होगा वो कायरल मालिक्यूल होगा, और जबकि सुपर इम्पोजिबल में कार्बन कायरल नहीं होता है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर हो जाएंगे। एनेंशियोमर, या फिर इसे हम कहते हैं एनेंशियोमेरिक पेयर, ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तो हम इसका अब लें अगर मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये CH3, ये वाला कार्बन, इससे दो बॉन्ड सिंगल, और इससे ये दो बॉन्ड, और इधर ये आएगा CH2OH, और ये H इधर आएगा, और ये OH इधर आएगा, और ये H इधर आएगा, और ये वाला OH इधर आएगा। तो ये मॉलिक्यूल था, हमने इसका मिरर इमेज बना लिया, अब इसको हम इस पर उठाकर सुपर इम्पोज करा कर देखेंगे क्या इसे ये, क्या ये इस पर सुपर इम्पोज हो रहा है। तो अगर हम इसको उठाकर इस पर इम्पोज कराएंगे तो इस कार्बन की जगह ये कार्बन आएगा, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में OH है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में OH है, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, बाकी ऊपर CH3 नीचे CH2OH वो तो कर लेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में, ये राइट साइड में H और ये राइट साइड में OH, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे।
तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे एनानशियोमर, या फिर इसे हम कहते हैं एनानशियोमेरिक पेयर, क्योंकि ये दो है पेयर में है इसीलिए एनानशियोमेरिक पेयर कहते हैं, एनानशियोमर हम लिखते हैं। तो ये दोनों हो गए आपस में एनानशियोमर, और दोनों का मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखाया था दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम। तो मालिकुलर फार्मूला तो सेम है क्योंकि ये मैंने इसमें कुछ घटाया बढ़ाया तो है नहीं, बस इसका मिरर इमेज बनाया है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पर, यही सेम एग्जांपल यही होगा, बस मैं OH को ऊपर और CH3 को इधर करूँगा ताकि मालिकुलर फार्मूला सेम हो, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट बने। ये OH ऊपर की साइड और इधर ये CH2OH और इधर मैंने लेफ्ट साइड में CH3 कर दिया, ठीक, बाकी सब सेम रखूँगा। इसको मैंने इधर किया, इसको इधर किया, ये बना दिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है अभी। तो इसका मैं अगर मिरर इमेज लूँ, इसका मिरर इमेज बनाया अगर, तो यहाँ पर आएगा ये OH और इससे लगा हुआ ये C, इससे लगा हुआ ये C और इससे लगा हुआ हुआ ये CH2OH, और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर H आएगा और इसका वाला यहाँ पर ये यह आएगा OH और ये वाला H इस साइड जाएगा और ये वाला CH3 इस साइड आएगा। तो अब इसको सुपर इम्पोज कराओगे इस पर, क्या सुपर इम्पोज होगा, ऊपर की साइड OH हो जाएगा, लेकिन ये राइट साइड में देखेंगे आप H है और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे CH3 है और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे इस कार्बन से OH है और इस कार्बन से देखेंगे तो H है। तो इसको आप इस पर सुपर इम्पोज कराओगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एनानशियोमर। ये सब हो गया हमारा एनानशियोमर। अब बात कर लेते हैं इसी एग्जांपल में डायस्टीरियोमर की। फिलहाल हम इसे अगर नंबरिंग कर दें 1 2, ये 3 और ये 4th वाला, तो डायस्टीरियोमर हमारा क्या होगा, डायस्टीरियोमर में भी सबसे पहला पॉइंट होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा हमारा सेम होगा। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तो वो आपस में मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोसिबल भी होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, अगर हमारे पास कोई भी जैसे कि ये वाला अगर मॉलिक्यूल है तो ये आपस में ये किसी का मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए और ये सुपर इम्पोज भी नहीं होना चाहिए। नाइदर मिरर इमेज नॉर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर लिखूं एनानशियोमर और यहां पे लिखूं डायस्टीरियोमर, तो एनानशियोमर कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड कामा थर्ड एंड फोर्थ। तो अब डायस्टीरियोमर कौन कौन से होंगे, देखिए अब ये मॉलिक्यूल इसका तो मिरर इमेज हो गया तो ये एनानशियोमर हो गया, लेकिन अब इस मॉलिक्यूल को फर्स्ट वाले को
अब थर्ड वाले में देखेंगे हम, तो क्या ये थर्ड वाला एक दूसरे के मिरर इमेज है? ऊपर सी एच थ्री है, ऊपर ओ एच है, तो मिरर इमेज होता तो ऊपर सी एच थ्री है, तो इधर भी ऊपर सी एच थ्री होना चाहिए था, तो ये ऊपर सी एच थ्री नहीं है, तो यहीं से पता चल गया कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया था, बस इसकी पोजीशन चेंज की थी। तो ये दोनों आपस में ना तो मिरर इमेज है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और अब इसको उठाकर इस पर सुपर इम्पोज कराओगे तो क्या सुपर इम्पोज होगा? तो इसके राइट साइड में OH है और इसके राइट साइड में इस कार्बन से इस कार्बन पर इधर राइट साइड में H है और इस कार्बन से इस राइट साइड में OH है, तो OH आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो ना तो ये एक दूसरे का, ये वन एंड थर्ड ना तो एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ, ना तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ, यानी कहने का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दोनों में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा डायस्टीरियोमर, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया हमारा डायस्टीरियोमर। अब फर्स्ट एंड फोर्थ को देखो, इसमें सी एच थ्री है ऊपर की साइड, इसमें ऊपर की साइड OH है, तो ये दोनों आपस में भी सुपर इम्पोज मिरर इमेज तो नहीं हुए, ये दोनों ऊपर सी एच थ्री है उधर ऊपर OH है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं हुए। अब मैं इसको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि ये सी एच थ्री ये वाला पहले बना ले, ये सी, ये वाला OH, ये वाला H, सी H, OH, इधर सी एच टू OH। और अगर मैं बीच में मिरर डालूं तो ये क्या चौथा वाला बनेगा? इधर OH, सी एच थ्री, एच, इधर OH, इधर सी एच टू OH। अगर इस मॉलिक्यूल को बीच में मिरर डाल के देखोगे तो क्या ये ऐसा बनेगा? कहने का मतलब ये है फर्स्ट वाला और ये है फोर्थ वाला, तो ऊपर सी एच थ्री है, इधर OH है, अगर मिरर इमेज होता तो यहाँ पर सी एच थ्री आना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर सी एच थ्री आया तो एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ। लेकिन ये फर्स्ट एंड फोर्थ, इन दोनों में जितना कार्बन है, जितना ऑक्सीजन है, जितना हाइड्रोजन है, आप काउंट करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर सी एच थ्री है, यहाँ पर OH है, यानी कि इसके मिरर इमेज नहीं है, तो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मिरर इमेज नहीं है। अब इसको सुपर इम्पोज कराकर देखेंगे हम इस पर, जब इसको आप उठाकर इस पर सुपर इम्पोज कराओगे तो ऊपर की साइड OH है, इसमें ऊपर की साइड सी एच थ्री है, तो सुपर इम्पोज भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ना तो सुपर इम्पोज हुआ ना तो मिरर इमेज हुआ, तो ये हो जाएगा डायस्टीरियोमर, फर्स्ट एंड फोर्थ डायस्टीरियोमर। इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड करेंगे एंड सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ, इधर सी एच थ्री, इधर OH, मिरर इमेज नहीं हुआ, ऊपर उठाकर सुपर इम्पोज कराओगे तो सुपर इम्पोज भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर OH है, इधर सी एच थ्री है, तो ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड। अब जब सेकेंड एंड फोर्थ का देखेंगे तो ऊपर सी एच थ्री लेकिन यहाँ पर हो जाएगा OH, तो सी एच थ्री ऊपर, अगर मिरर इमेज होता तो ऊपर सी एच थ्री सेम है, जैसा पहला एंड तीसरा था, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ जैसा था वैसे ही सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ है सेम वैसे ही है। तो ये आपस में फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपस में एनेंशियोमर, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ये हो गया हमारा डायस्टीरियोमर। तो अब तक हमने बस ऐसे ही देख लिया, अब बात करते हैं क्या हम इसको रोटेट करा के कर सकते हैं क्या? अगर हम इसको रोटेट कराएं या इस तरह से रोटेट कराएं, किसी तरह से इसको रोटेट कराकर अगर इस पर बैठा दें तो इस पर सुपर इम्पोज करा दें, तो क्या रोटेट करा के हम कर सकते हैं? तो अब इसके बारे में कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं, दो जो हम इसको रोटेट करा के करेंगे।
तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल। तो हम यहाँ पर डालते हैं एक मिरर, पहले इसका मिरर इमेज लेते हैं हम इसका। यहाँ हमने मिरर लगाया, इसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो ऊपर साइड CH3 और इधर सी, ये सी, ये वाला सी, और यहाँ पर भी CH3, और इस साइड एच है तो एच इधर, और ये सी एल इधर, और ये वाला एच इस साइड रिफ्लेक्ट होगा और ये सी एल इधर। तो अब आप इसको इस तरह से सुपर इम्पोज कराओ। पहले सीधा सीधा फंडा ये है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। पहला तो सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला देखिए आप, इसके राइट में एच है, लेफ्ट में सी एल है। अब यहाँ से दूसरे कार्बन पर आइए, राइट में सी एल है लेकिन लेफ्ट में एच है, तो ये जब अपोजिट है तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये राइट में है और राइट में एच है, यहाँ पर राइट में सी एल है, तो राइट वाला दोनों अगर सेम होता तो सुपर इम्पोज का चांस होता, लेकिन जब दोनों डिफरेंट है तो सुपर इम्पोज इस तरह से आप जब कराएंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि आप इसको रोटेट करा दें, अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करा दें तो हमें फिर से वही मॉलिक्यूल मिल जाएगा, हम इसको उठाकर इस पर सुपर इम्पोज करा दें। लेकिन रोटेट कराने की कुछ कंडीशन है, हम इसको सिर्फ दो तरह से रोटेट करा सकते हैं। रोटेट कराने में जैसे कि हम प्लेन में ही रोटेट करा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है प्लेन, ये पूरा बोर्ड है, ये एक प्लेन में, अगर हमें रोटेट कराना है तो या तो हम इसको इस तरह से रोटेट कराएं या तो फिर इस तरह से रोटेट कराएं। हम इसको इस तरह से या फिर इस तरह से रोटेट नहीं करा सकते। जैसे कि अगर मेरे पास ये बुक है, नोटबुक है, अगर मैं इसको रोटेट कराना है तो मैं इसको इस तरह से रोटेट करा सकता हूँ 180 डिग्री, लेकिन मैं इसको 180 डिग्री इस तरह से रोटेट नहीं करा सकता। तो कहने का मतलब समझ गया, अगर आपको इसको रोटेट कराना है तो बस एक प्लेन में रोटेट कराना है, जैसे कि ये ऐसे है तो आप इसको इस तरह से घुमाइए बस। मैं आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा, बस वही रोटेट करेगा। जैसे कि ये सेम मालिक्यूल आपको यहाँ पर दिखेगा जैसे, तो अब ये मालिक्यूल अब रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब मैं इसको इस तरह से रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है, ये 180 डिग्री इस तरह से रोटेट कर जाएगा, तो ये वाला CH3 ऊपर की साइड पहुँच जाएगा और ये वाला CH3 नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको रोटेट कराया तो सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ये वाला CL, ये दोनों था ऊपर की साइड CL जो था, और ये दोनों H था, वो दोनों लेफ्ट साइड में आएंगे, और ये जो दोनों लेफ्ट साइड में थे वो उधर राइट साइड में गए हैं, तो वो दोनों अपोजिट में दिखेंगे। तो अब मैं उसको रिप्लेस करूँगा सीधे वाले से, जो सीधा मेरा मालिक्यूल आएगा उसको मैं उससे रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जो वहाँ पर इसको रोटेट कराने के बाद जो मालिक्यूल बनेगा मेरा, मैं उसको बना रहा हूँ, इसको 180 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला CH3 गया ऊपर इस साइड, और ये वाला CH3 आया यहाँ पर, और ये वाला CL फिर से रोटेट होकर यहाँ पर आएगा, और ये वाला एच यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये वाला एच यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला CL यहाँ पे पहुँच जाएगा। कहने का मतलब है हमने इसको इस तरह से रोटेट भी कर दिया तो भी हमें सेम मॉलिक्यूल मिला, यानी कि जो ये था वही ये है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, यानी कि हम इसको भी इसको उठाकर सुपर इम्पोज कराएंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो जब सुपर इम्पोज नहीं होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर। तो अभी आप कहेंगे कि तो इसका रोटेट कराने का फ़ायदा क्या होगा, रोटेट अभी हम जब आगे पढ़ेंगे मेजो कंपाउंड जो उसमें हम रोटेट करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा, देखते रहिए बस। तो इससे रोटेट कराने के बाद इसका कोई हमें वही मालिक्यूल मिला, तो ये हुआ, इसको हम सुपर इम्पोज नहीं हो तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, एनेंशियोमर। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा, इसका काम नहीं आया। तो रोटेट किस तरह से कराना है अभी तक हमने ये देख लिया, अब मैं इसको फिर से ये इंटरचेंज करके दूसरा एग्जांपल बनाऊँ। तो CL यहाँ पर और C और CH3 को मैं यहाँ पर कर दूँगा, और बाकी C इधर और इधर नीचे CH3 और बाकी सब सेम रहेगा, इधर H, इधर H और इधर CL। अब इसका बना लेते हैं मिरर इमेज, बीच में मिरर डालते हैं, यह है मेरा मिरर, और इससे बनाएंगे हम दूसरा कंपाउंड, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C, और इससे हो जाएगा इधर CH3।
तो इस साइड आएगा एच, इस साइड आएगा सी एल, इधर एच और इधर सी एच थ्री। तो आप इसको रोटेट कराएंगे, जैसे मैंने इधर रोटेट करा के दिखाया है सेम वैसे ही होगा, फिर से वही हमें मिलेगा। वही नहीं मिलेगा, बस इस सी एच थ्री की जगह ये सी एल पहुँच जाएगा और सी एल की जगह ये आ जाएगा और ये आपस में दोनों इंटरचेंज होंगे और ये दोनों आपस में, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो रोटेट कराने से कोई मतलब है नहीं इसका। एक बार मैंने रोटेट करना बता दिया कि रोटेट कैसे होगा। तो अब इसको इस पर सुपर इम्पोज कराओगे तो ऊपर तो सी एल सुपर इम्पोज होगा, बीच में सी है वो भी होगा, लेकिन इस कार्बन से इस राइट साइड में सी एच थ्री है, इस कार्बन से इसके राइट साइड में एच है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो ये दोनों आपस में होंगे एनेंशियोमर। चलिए एनेंशियोमर तो हो गया, फिर से नंबरिंग करते हैं, ये वन, ये टू, ये थर्ड और ये फोर्थ। इधर हम लिखते हैं एनेंशियोमर, और इधर लिखते हैं डाइस्टीरियोमर। सेम वही होगा जैसे पहले हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनेंशियोमर, फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ, और फर्स्ट एंड थर्ड कॉमा फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। जैसा हमारा पहले था वैसे ही हो जाएगा, ये भी हमारा डायस्टीरियोमर। तो एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर ये हमारा होता है ख़त्म। अब इसके बाद हम देखते हैं मेसो कंपाउंड, देखते हैं मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड में क्या है? तो मेसो कंपाउंड में, मेसो कंपाउंड में सबसे पहले कि उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, दो कायरल सेंटर होना चाहिए और उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर कोई एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ज़्यादातर केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि इसमें टू कायरल सेंटर, और दूसरा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो कायरल सेंटर होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, तो इधर सी एच थ्री, इधर भी सी एच थ्री। अब इसमें दोनों सी एल सेम साइड, इधर भी सी एल, इधर भी सी एल, और एच इधर और एच इधर। तो इसमें आपको, चलिए पहले हमने अभी पढ़ा है एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर ना, तो हम इससे उससे रिलेट करते हैं क्या इसमें ये एनेंशियोमर है या फिर डायस्टीरियोमर है। तो एनेंशियोमर में सबसे पहले हमें क्या पता था, हाँ एनेंशियोमर में एक चीज़ तो रहेगी, उसमें कायरल कार्बन था, कायरल मॉलिक्यूल था। जब कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल दोनों होते हैं तो वो हमारा कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो उसमें कायरल था, कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल, तो होता था एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन अब इसमें देखोगे आप क्या, बीच में से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें बीच में से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से अगर आप प्लेन डालोगे तो इसके ऊपर साइड सी, इसके इसके नीचे सी, फिर ये वाला सी एच थ्री, फिर उसके बाद सी एच थ्री, ये वाला एच इधर, ये वाला एच इधर। यानी कि आप ये आधा मॉलिक्यूल बनाओ और यहाँ पर एक मिरर इमेज डालोगे तो मिरर में जब आप देखोगे तो जो आपको नीचे दिख रहा है वो आपको मिरर में भी पूरा मॉलिक्यूल दिख जाएगा। आप बनाकर चेक कर लेना, पहले यहाँ तक बनाइए, फिर यहाँ से एक मिरर डालकर देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो ऊपर साइड है, जो ये नीचे की साइड है, ये पूरा मॉलिक्यूल आपस में रिफ्लेक्ट करके ये पूरा मॉलिक्यूल बना लेगा। तो
तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो ये कायरल कार्बन तो है, दोनों कायरल कार्बन है, लेकिन ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं होता, ये होता है हमारा एक कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी तरह की एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती है तो हमारा हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव तब होता है जब हमारा एक कायरल मॉलिक्यूल होता है। तो ये होता है हमारा एक कायरल मॉलिक्यूल। तो क्या पता चला आपको, मेजर कंपाउंड में हमारे पास एक कायरल मॉलिक्यूल होता है, एनेंशियोमर डाइस्टेरियोमर में हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होता है, और होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं इसको फिर से एक बार यहाँ से लिखें, इसे CH3 C हम बहुत अभी कर रहे थे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल और सुपर इम्पोजिबल ना, तो सबसे पहले हम इसका मिरर इमेज अगर बनाएं, तो ये बनेगा CH3 और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा CH3, इधर H, इधर CL, इधर H, इधर CL। हाँ, तो अब हम क्या करते थे, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता था, तो हम इसको उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराते थे, तो देखते थे क्या इसे ये सुपर इम्पोज हो रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे तो इसको देखेंगे आप, इसके ये दोनों तो आपस में सुपर इम्पोज हो जाएगा CH3 CH3, लेकिन आप देखिए डिफरेंट जो होता है हम वहाँ पर देखते हैं। इस कार्बन से राइट साइड में H है और इस कार्बन से राइट साइड में CL है, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते थे, मैंने अभी बताया था कि हम इसको रोटेट करा के देखेंगे, तो रोटेट कराने वाला क्यों बताया था, इसलिए बताया था कि अब इसका ज़रूरत काम यहाँ पर पड़ेगा। जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे, चलिए मैं यहाँ पर भी उसका फिगर दिखाऊँगा। हाँ, देखिए ये मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अब हम इसको रोटेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करेंगे, इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं हम इस तरह से। तो ये मॉलिक्यूल रोटेट होकर ये दोनों H जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो राइट साइड में जाएगा, और ये दोनों CL है वो लेफ्ट साइड में आएगा, और ये ऊपर वाला CH3 नीचे की साइड जाएगा, और ये नीचे वाला CH3 ऊपर की साइड जाएगा। आपको वहाँ पर फिगर में दिखेगा, अब ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। तो अब फिगर इस तरह से पूरा घूम गया है, तो वो उल्टा दिखने लगा है, तो मैं उसको सीधे मॉलिक्यूल से रिप्लेस करता हूँ। वो रहा हमारा सीधा मॉलिक्यूल, अब हम उससे करते हैं उसको रिप्लेस, तो ये हमारा इस तरह का दिखेगा। तो मैं इसको अब उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमारा कैसा दिख जाएगा, वो यहाँ पर दिखेगा ये CH3, ये C, ये वाला C, और ये नीचे CH3, और ये दिख जाएगा हमारा CL इधर, और ये इधर, और ये इधर। ये 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद इसको 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये दिखेगा। तो अब इस मॉलिक्यूल को उठाकर जब आप इस पर सुपर इम्पोज कराओगे, तो ऊपर देखिए CH3 और इधर देखेंगे CH3, इस कार्बन के दूसरे कार्बन पे राइट साइड में H, लेफ्ट में CL, इसमें भी दूसरे कार्बन पर राइट में H, लेफ्ट में CL, वैसे ही सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। आप मिरर तो आप देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो ये दोनों आपस में एनेंशियोमर नहीं होते हैं। जब एनेंशियोमर नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, तो आप यहाँ से एक प्लेन डालेंगे तो ये होता है मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वो होता है एक कायरल मॉलिक्यूल, इसके बारे में बता चुका हूँ काफ़ी देर से अभी। तो ये हो गया हमारा, तो अब देखते हैं, देख लेते हैं हम कुछ और एग्जांपल। इसी तरह के अगर आप एग्जांपल और लेना चाहें तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इधर OH कर लें, इधर भी OH कर लें, इधर H, बीच से आप देखेंगे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दो कायरल सेंटर भी हैं, तो ये होगा हमारा मेसो कंपाउंड। एक और एग्जांपल दिखा दूँ अभी, ये COOH, COOH, बाकी का ये OH और ये वाला OH, ये वाला H, ये वाला H। यहाँ से डालेंगे आप प्लेन, तो यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, दो कायरल सेंटर हैं। अब कायरल सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल, एक कायरल मॉलिक्यूल, इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, अब जाकर पहले वहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ तो एग्जांपल हो गए हमारे,
अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ये तो अभी सिंपल सिंपल हो गए, थोड़ा सा रिंग वाले देखते हैं। एक ये हो गया हमारा, अब दूसरा इसी तरह से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी आर इधर, और इधर भी मैं लगा दूं ये बी आर इस साइड, एक ये हो गया। और भी इस तरह से हम ले सकते हैं, ये बी आर इधर और बी आर बिलो द प्लेन, और ले सकते हैं हम ये ले लें। तो अभी मैं जो यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ सब के सब मेसो कंपाउंड नहीं है, अभी इसमें हमें देखना है कौन सा मेसो है कौन सा नहीं है। तो ये हो गया मेरा, और ले लेते हैं, तो अभी तक ये हमारा था फिशर प्रोजेक्शन, फिर इसके बाद हमारे हैं वेज डैश में। फिशर प्रोजेक्शन वेज डैश इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो आने वाली वीडियोस में, फिलहाल मैं एक दो एग्जांपल इस तरह के करा देता हूँ। तो इधर बी आर, इधर बी आर, इधर बी आर ले लें, और इस साइड बिलो द प्लेन बी आर, बस इतना कर लेते हैं, बहुत हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इसको इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, तो ये क्या मेसो कंपाउंड है या नहीं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, कायरल सेंटर देखो या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखोगे तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से प्लेन डालोगे आधा ऊपर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आधा नीचे भी, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अब देखेंगे कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर होने चाहिए हमारे पास, तो अगर दो कायरल सेंटर हो गया तो ये मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा मेसो कंपाउंड। तो अब हम कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन ढूंढेंगे, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, कोई भी कार्बन ले लेंगे आप, तो ये दोनों एच से जुड़ा है, दो एच से, तो ये कायरल कार्बन तो होगा नहीं, क्योंकि कायरल कार्बन के होने के लिए चार डिफरेंट ग्रुप, जो उससे कार्बन से जो भी चार बॉन्ड हो वो चारों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पर दो सेम है तो ये वाला मेसो कंपाउंड नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन डालें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, ऊपर ऊपर की साइड देखिए ये एक रिंग है ठीक, और इससे ऊपर की साइड लगा हुआ है बी आर, इधर भी ऊपर की साइड लगा हुआ है बी आर, तो दोनों ऊपर की साइड जब हैं, जब दोनों ऊपर की साइड हैं तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कि ये रिंग जो है वो इस तरह से है, और इस पर लगे जो दो बी आर हैं वो ऊपर की साइड, एक इस साइड बी आर है और एक इस साइड बी आर है, दोनों ऊपर की साइड हैं, जब आप बीच में से प्लेन डालेंगे तो ये वाला बी आर आपस में इस प्लेन के रिफ्लेक्ट करेगा, और इसी तरह ये वाला है उसके बाद वाला, ये बी आर ऊपर की साइड है, ये वाला बी आर ऊपर की साइड, और दूसरा वाला बी आर इधर नीचे की साइड, तो ऊपर से कहीं भी प्लेन डालेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चलिए, और हमारे पास तो प्लेन तो हो गया, अब हम देखते हैं क्या इसमें कायरल कार्बन है, तो ये वाला कार्बन लें और ये वाला कार्बन लें अगर हम, तो इससे एक बॉन्ड बी आर, दूसरा बॉन्ड जो वो सी एच टू और सी से, और ये तीसरा वाला बॉन्ड सी बी आर से, यानी कि ये तीन ग्रुप तो डिफरेंट हो गए, और इससे चौथा वाला बॉन्ड कहाँ है, जब यहाँ पर चौथा बॉन्ड ना दिखे तो समझ लो कि वो बिलो द प्लेन और वो हाइड्रोजन है, तो यहाँ से चार डिफरेंट ग्रुप हो गए, उसी तरह से इसके भी, तो ये हो जाएगा हमारा मेसो कंपाउंड हो जाएगा। अब इसमें बात करें हम, तो इसमें कायरल सेंटर तो इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, सी एच टू इधर और ये सी एच बी आर ये इधर, चार डिफरेंट ग्रुप, ये कायरल कार्बन तो हो जाएगा दोनों, यहाँ पर भी दोनों कार्बन कायरल हैं हाँ, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ये एक रिंग है और ये
ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है। जब दोनों ऊपर की साइड होते हैं तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अब ये एक ऊपर की साइड दूसरा नीचे की साइड है तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही अब हम इसमें देखते हैं, हमने यहाँ से देख लिया कि ये कार्बन दोनों कायरल है, चलिए कायरल है, तो अब हम इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये बी ए, ये बी आर है और ये सी एल है, तो इसमें से अगर आप प्लेन डालोगे तो बी आर सी एल को थोड़ी रिफ्लेक्ट कर पाएगा, बी आर, बी आर रहता तो हो जाता, तो यहाँ से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये वाला मैसे हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये वाला भी मेजो कंपाउंड नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, हाँ अब इसमें अगर हम यहाँ से एक मीरा डाल दें तो इस तरह से मीरा डाल रहे हैं, तो ये बी आर इसको और ये वाला बॉन्ड इसको दोनों आपस में इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला मेजो कंपाउंड हो जाएगा। अगर हम इसे देख लें तो दोनों ऊपर ऊपर की साइड था तो दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अब ये दोनों एक ऊपर है एक नीचे है तो यहाँ से प्लेन नहीं पड़ेगा। हाँ इसमें एक कायरल कार्बन देखना भूल गए, लेकिन कायरल कार्बन तो ये एक बॉन्ड ये अलग, ये सी एच थ्री अलग, ये सी एच बी आर अलग, और चौथा बॉन्ड जो नहीं दिखता वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसमें कायरल कार्बन तो है, कायरल कार्बन तो है, लेकिन बी आर एक ऊपर की साइड है दूसरा नीचे की साइड है तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। अब ये वाला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये हमारे लिए अभी तक ये रिंग जो देखे थे आप ये सिस में होती थी तो हम आराम से कर लेते थे, लेकिन अब ये वाला जो है जिगजैग वाला ये हमारा ट्रांस में आ जाता है, तब हम एक एबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन तब हम कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जब आगे पढ़ेंगे इसको हम रोटेट करना सीखेंगे, थोड़ा सा कुछ और करना सीखेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल हम मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, ये वाला बॉन्ड इसमें 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड इस साइड से मूव करेगा, ये नीचे की साइड है ये ऊपर की साइड आ जाएगा, तो ये बिल्कुल इस तरह का दिखने लगेगा, ये जब इस साइड आएगा ये तो ये वाला इस साइड आएगा, ये वाला जैसे कि आप इसको इस साइड मूव करोगे ना इस तरह से, जैसे कि ये इस तरह से है, अब इसको जब इस तरह से घुमाओगे तो बी आर ऊपर की साइड और ये वाला नीचे की साइड, तो ये इस तरह से दिखेगा, बी आर ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड आ जाएगा। तो अब इसमें जो मेजो कंपाउंड हुआ था, ये मेजो कंपाउंड था, मेजो कंपाउंड का फार्मूला था, मतलब इसमें कायरल सेंटर है, इसमें भी कायरल सेंटर है, तो ये मेजो कंपाउंड है। तो ये हमारा मेजो कंपाउंड है, ठीक। रेसमिक मिक्सचर, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम लेते हैं एक बीकर, और इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ में इक्वल अमाउंट में डी एंड एल यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को हम 50-50% ले रहे हैं, 50% ये और 50% ये लेकर हम बना रहे हैं यहाँ पर एक सोल्यूशन, यहाँ से डाला 50% इसे और यहाँ से डाला 50% डेक्स्ट्रो को, दोनों को मिलाकर बना दिया एक सोल्यूशन, तो इसे हम कहते हैं इक्वीमोलर मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इक्वीमोलर मिक्सचर, जितना ये है उतना ही एल वाला है। तो अब हम यहाँ से पास करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, जैसे ही इस सोल्यूशन से ये पास होती है ये डेक्स्ट्रो वाला क्या करता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आगे आती है तो ये जो लेवो वाला है
ये जो इस तरह से टेढ़ी होकर आ रही थी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम कर आ रही थी, वो इसको सीधा कर देता है, वो यहाँ पर आकर सीधी हो जाती है। यानी कि ये राइट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है और ये उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, तो दोनों यहाँ से एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर देते हैं, म्यूचुअली कैंसिल, एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें प्लेन पोलराइज लाइट जैसे डाली थी वैसे ही सेम इधर निकल जाती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होती है। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर। ये तो हो गया हमारा इस डेक्स्ट्रो एंड लेवो के लिए और प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। अब हम इसको समझ लेते हैं एक जैसे कि मैकेनिज्म से। अब हमारे पास अगर ये जैसे कि हमारे पास मैकेनिज्म है, यहाँ से बी आर माइनस यहाँ से अटैक कर सकता है, तो ये हमारे पास ये सबस्ट्रेट है और ये बी आर माइनस अटैक कर रहा है इधर ऊपर की साइड से और ये नीचे की साइड से। तो इसको हम नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इधर लिखते हैं ए, इधर लिखते हैं बी। तो यहाँ से हमारे पास इस सबस्ट्रेट से दो प्रोडक्ट आने वाले हैं, एक ए से एक बी से। अगर ये ऊपर से अटैक करेगा तब क्या बनेगा, तो ये ऊपर से अटैक करेगा बी आर, तो ये वाला आएगा बी आर ऊपर की साइड। आप इसको मत देखिए कि ये नीचे की साइड बन रहा है, ये देखिए कि ये जब ये इस तरह से दिखाते हैं तो ये ऊपर की साइड होता है, इसे कहते हैं अबव द प्लेन। ये आएगा बी आर इधर और ये दूसरा वाला बाण जो है वो वेज वाला वो हो जाएगा बिलो द प्लेन। जो इस तरह से डैश से दिखाते हैं उसे कहते हैं बिलो द प्लेन, बाकी ये अब इसका ये बाण मेंटेन रहेगा। और इसमें ये बी आर नीचे की साइड से अटैक कर रहा है, तो बी आर आएगा यहाँ से बिलो द प्लेन और यहाँ पर ये जो दूसरा सी एच थ्री लगा हुआ ग्रुप था, ये वाला ग्रुप, ये आ जाएगा अबव द प्लेन। तो इसमें क्या है, इसकी चॉइस है, ये या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है। तो 50% इसकी चॉइस बनने की और 50% इसकी चॉइस बनने की, तो इसको भी हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। तो बस हो गया रेशमिक मिक्सचर। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।